नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा मार्केट में, और साथ ही साथ दिन भर की अहम खबरें क्या थी ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं मार्केट के चेक के साथ। और दिन भर हमने देखा कि उतार चढ़ाव बना हुआ था यूएस फेड के फैसले से पहले, लेकिन अब बाजार पर नजर डालेंगे तो निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है वो कमजोरी के साथ हुई है। करीब 97 अंक नीचे क्लोज हुआ है निफ्टी, और बैंक निफ्टी में 264 अंकों की वीकनेस देखने को मिली है। इसके अलावा कौन से सेक्टर में एक्शन था एक बार ये भी समझ लेते हैं। और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। शुक्रिया। अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर आज जो उतार चढ़ाव था, आज का दिन एक्चुअली में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, क्योंकि आज हम खुले ठीक थे और खुलने के बाद हमने हरा निशान भी दिखाया और काफ़ी हद तक हरे निशान में ही रहे। लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में बाजार धीरे धीरे करके फिसलता गया और ऑलमोस्ट डेज लोस के आसपास जाके बंद हुआ है 17,700। बट फिर भी मार्केट ने बचा लिया किसी तरह से। 17,700 और 800 वाली रेंज रेजिस्टेंस की है और 17,500 और 400 वाली रेंज सपोर्ट की है। इवेंट से ठीक पहले मार्केट अपने आप को संभालते हुए दिख रहा था, आज कुछ डिफेंसिव शेयर आगे निकल के आए। एडवांस डिक्लाइन थोड़ी बिगड़ी है, आज आप देख रहे होंगे सिर्फ 550 शेयर ही हरे निशान में थे। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान मिल गया हो। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी आपको परसेंटेज में करीब 0.5% की गिरावट दिख रही होगी। आज जिन शेयर्स ने संभाला वो थे डिफेंसिव शेयर, यानी कि एफएमसीजी के शेयर। अगर आज आप पहले तीन शेयर देखेंगे उसमें से ब्रिटानिया जो कि करीब 3% ऊपर जाके बंद हुआ है, साथ ही साथ HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप वो देखेंगे तो उस शेयर के अंदर भी हमको अच्छी मजबूती आती दिखी है। और तीसरा निफ्टी का टॉप गेनर बना वो था ITC जो अपने साल के हाई पर भी चल रहा है। यानी कि तीन शेयर अगर आप टॉप गेनर्स निफ्टी के चेक करेंगे तो आपको FMCG के ही दिखेंगे, और चौथा दिखेगा फार्मास्यूटिकल्स जो कल से चल रहा है, हॉस्पिटल वाला शेयर है अपोलो हॉस्पिटल, आज वो फिर से जाके हरे निशान में जाके बंद हुआ है। लेकिन डैमेज हो कहाँ से रहा था, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है निफ्टी को आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में, वो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अदानी पोर्ट्स के अंदर। आज अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर आपका कमज़ोर दिख रहे थे, अदानी पोर्ट निफ्टी का हिस्सा है वहाँ पे नुकसान था। इंडसइंड बैंक के अंदर करीब 3% तक की गिरावट हमको यहाँ पे बनती हुई दिखी है। अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साथ आज हिंडालको का शेयर भी कमज़ोर हुआ है, इन सभी ने आज बाज़ार में काफ़ी हद तक डेंट पहुँचाया है। आते हैं जरा बैंकिंग काउंटर्स पर नज़र डालते हैं तो आज ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स आपको कमज़ोर दिख रहे थे। अगर आप ये पूरी सूची उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको देखेगा तो बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ एक बैंक्स थे जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दिखेगा। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी भी एक बार आ जाते हैं, वहाँ पर इस समय की सिचुएशन क्या थी अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आज वी गार्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। जो कंजम्पशन वाली कंपनी है उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आज डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर भी स्ट्रॉन्ग पुलबैक था और आज बाजार की गिरावट के उलट चल रहा था डॉक्टर लाल पैथलैब, तो आज ये सबसे ज़्यादा नोटिस होने लगा। पेज इंडस्ट्रीज़, बाटा इंडिया, ट्रेंट, ये तीन कंजम्पशन वाले और शेयर हैं जहां पर आज आपको हरा निशान देखने को मिला होगा। आ जाते हैं जरा इसी कैटेगरी के अंदर छोटे शेयर्स जहां पे आज कमज़ोरी देखने को मिली, उसमें था इंडियाबुल हाउसिंग। ये एफ एंड बैन से बाहर आ गया था आज शेयर और उसके बाद ये ज़ोरदार आज पिटा है। इसके अलावा रैमको सीमेंट्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। रियल एस्टेट के जो काउंटर्स चल रहे थे उसमें अब्रॉय सबसे स्ट्रांग था, उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हमको होती हुई दिखी है। साथ ही आज कुछ ऐसे शेयर्स भी टूटे हैं जहाँ पे अमूमन पहले से नुकसान देखने को मिल रहा था, जैसे कि लॉरेंस लैब, ये शेयर भी आज आपको लाल निशान में देखेगा। तो कुल मिला के मार्केट ने ठीक इवेंट से पहले अपने आप को एक रेंज में रखा, स्पेसिफिक पॉकेट्स में काम हुआ जिसमें डिफेंसिव पॉकेट आज FMCG सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो डिफेंस काउंटर आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब आज रात फेड के फैसले आएंगे और उसके बाद बाजार की चाल आगे की तय होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस बीच दिग्गज मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी हम आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और लंबी दूरी की दौड़ और निवेश में क्या समानताएं हैं, साथ ही अगले 5 से 10 साल के नज़रिए निवेश को लेकर कैसा माहौल बन रहा है, हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने Alchemy कैपिटल के CEO डायरेक्टर और CIO हिरेन वैद से इस पर खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस या मैराथन रनिंग होता है वो ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स है एंड इट्स नॉट वेरी इजी, उसके लिए बहुत प्रेपरेशन करनी पड़ती है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की जरूरत होती है, काफी ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक पेशेंस की जरूरत होती है, एक लॉन्ग टर्म व्यू लेने की जरूरत होती है, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत होती है कि आप शॉर्ट टर्म नॉइज या मूवमेंट से बहुत डिप्रेस ना हो जाएं या बहुत एक्साइट ना हो जाएं। जैसे जब हम प्रिपेयर करते हैं मैराथन के लिए, तो हम तकरीबन 6-7 दिन हफ्ते के, ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन रन करते हैं, 1 दिन रेस्ट लेते हैं, और कई रन हमारे अच्छे होते हैं, कई रन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा गोल अचीव होगा कि नहीं होगा, और लेकिन फिर भी लगा रहना पड़ता है कंसिस्टेंटली आपको ट्रेनिंग में, और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, आपके स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स। तो इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर। इन्वेस्टिंग ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन। आप कैसी कंपनियां चूज करते हैं, आप क्या बहक जाते हैं न्यूज फ्लो से या शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से, तो ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे कैसे दूर रखना और कैसे अपनी ट्रेनिंग और अपनी डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करना, तभी जाके आप 42 किलोमीटर्स की रेस कंप्लीट कर सकते हैं इंजरी फ्री, राइट? तो जो गेम में या जो स्पोर्ट में इंजरी होती है, वैसे ही अगर आपको लॉस फ्री या अपनी कैपिटल को अगर डेप्रिशिएट नहीं करना है, विच आई वुड कॉल इंजरी फ्री इन्वेस्टिंग, राइट? तो यू हैव टू हैव द राइट फंडामेंटल्स। तो ये थे हिरेन वेद मार्केट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। और आज हमने देखा कि सेंसेक्स पर एक बार नज़र डालें तो 262 अंकों की कमजोरी आज सेंसेक्स में देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी थी, 60,000 के ऊपर के लेवल्स भी हमने देखे, लेकिन आज वीकनेस के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आया। जो टॉप परफॉर्मर थे उसमें आज FMCG स्टॉक्स थे वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। टॉप परफॉर्मर में देखिए ITC, HUL ये करीब 1.5% ऊपर थे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, रिलायंस यहाँ पर मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन वही कमज़ोर साइड में इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, NTPC यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो BSE में जितने भी इंडेक्सेस थे उसमें सिर्फ FMCG जो था वो आज हरे निशान में बंद हुआ। करीब 1 से 1.25% की मजबूती वहाँ पर देखने को मिली, लेकिन जितने भी बाकी दूसरे इंडेक्सेस थे वो लाल निशान में ही आज का कारोबार कर रहे थे। पावर, ऑयल एंड गैस, रियल्टी शेयरों में आज सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। और आज हमने देखा रेलवे से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी। रेलवे इस महीने रेल पटरियों के लिए मेगा टेंडर शुरू करने जा रही है। इसे एक्सक्लूसिव खबर के साथ और डिटेल ले लेते हैं, और हमारे साथ समीर दीक्षित इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर बताइए। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय इसी महीने एक बड़ा टेंडर जारी करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये टेंडर होगा रेल ट्रैक से जुड़ा हुआ, यानी कि रेल ट्रैक बिछाने को लेकर के सरकार चाहती है कि नए जमाने के रेल ट्रैक वो लेकर के आए, और उसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। ये multi-100 crore टेंडर होगा और इसमें प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित किया जाएगा कि वो आए, ट्रैक्स बनाए, और साथ ही साथ ये मेक इन इंडिया मिशन को भी बढ़ावा देगा। ये जो नए जमाने का ट्रैक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसको सिर्फ एक दिशा में लेकर के सरकार देख रही है कि ये हाई स्पीड मोबिलिटी को बढ़ावा दे, यानी कि ये ट्रैक की जो पैरामीटर्स होंगे वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। मसलन जो इनका स्ट्रेंथ होगा वो 25 टन से ज़्यादा लोड सहने की क्षमता रखने वाला होगा। इसके साथ ही जो क्रॉसओवर ट्रैक्स होते हैं, मसलन जब ट्रेन एक ट्रैक से होकर के कर्व से होते हुए दूसरे ट्रैक की तरफ जाती है, तो जो कर्व होता है, जो क्रॉसओवर होता है, वहाँ पर अभी क्या स्थिति है कि स्पीड काफ़ी घट जाती है, लेकिन नए डिज़ाइन, नए पैमाने पर जब ये ट्रैक बनेंगे तो जो क्रॉसओवर पे ट्रेन की स्पीड होगी उसको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखने के लिए ये ट्रैक सक्षम होंगे। इसके अलावा
यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो प्राइवेट प्लेयर टेंडर के लिए आगे आएंगे उनको देश में ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाने के लिए कहा जा सकता है। एक एश्योर्ड ऑफटेक यानी कि रेल मंत्रालय जो भी टेंडर जीतेगा उससे एश्योर्ड ऑफटेक एक मिनिमम क्वांटिटी उनसे लेगा ही लेगा हर साल, ये भी एक क्लॉज इसमें शामिल रखा जा सकता है ताकि बड़ी संख्या में प्राइवेट प्लेयर आगे आएँ। तो इसके साथ ही ये जो नए जमाने के ट्रैक्स हैं और हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेल पहियों के लिए भी एक बड़ा टेंडर जारी किया, उसके साथ वंदे भारत का मास प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो अगर बड़ी तस्वीर देखें तो रेलवे की कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जोर दिया जा रहा है और उसी दिशा में माना जा रहा है कि इसी महीने रेल ट्रैक को लेकर के एक बड़ा टेंडर रेल मंत्रालय जारी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समी ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन ये जो खबर निकल कर आ रही है रेलवे एक बड़ा टेंडर लेकर आने वाली है, इससे किन किन कंपनियों को फायदा मिलेगा एक बार ये भी समझ लेते हैं और शरद के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स जानने के लिए। शरद बताइए। जी बिल्कुल, जो रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर में JSPL हैं जिनको जो है 2020 में जो दिसंबर के महीने में जो एक्सक्लूसिव टैग भी आया रेगुलर सप्लाई का आपके रेलवेज द्वारा। इसके अलावा सेल्स भी सेल है जो आपको मैन्युफैक्चर करती है रेलवे ट्रैक्स। इसके अलावा अर्कॉन फोकस में रहेगा, यहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी करती है ऑफकोर्स हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स के लिए करती है और लगभग आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ का हाई स्पीड रेलवेज का ऑर्डर जो है वित्त साल 2022 में देखने मिला था। RVL भी इंपॉर्टेंट रहेगा फोकस में, यहाँ पे जो है उन्होंने लगभग 120 रेलवे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया और उनकी एक अलग आम भी उन्होंने बनाई है जो ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडीज़ कर रहे हैं आपके हाई स्पीड रेलवे सिस्टम्स पे जो ये ट्रैक्स पे जो है इम्पैक्ट पड़ सकती है। इसके अलावा प्राइवेट स्पेस में KEC इंटरनेशनल भी फोकस में रहेंगे बिकॉज लगभग आप कह सकते हैं 23% टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन जो भारतीय रेलवेज में हुई है वो वित्त साल 2022 में KEC इंटरनेशनल ने की है, तो ये स्टॉक्स पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। ऑफकोर्स टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल तो है जो स्टील प्रोवाइड भी करते हैं और गवर्नमेंट का फोकस जो है आगे जाते हुए प्राइवेट प्लेयर्स तक भी जा रहा है ये एनालिस्ट का मानना है। और मैं एक बैकग्राउंड भी ज़रूर बता दूं कि जो PLI स्कीम हुई थी स्पेशलिटी स्टील्स में जहाँ पे बड़े दिग्गज प्लेयर्स JSW स्टील, टाटा स्टील, JSBL जो है एप्लीकेंट्स थे आपके जो है लगभग 6,322 करोड़ का जो ये PLI स्कीम है इसके ऊपर, और ये PLI स्कीम में जो है एप्लीकेशन आई है स्पेशलिटी स्टील के लिए वो एप्लीकेशन जो है हाई स्पीड रेलवे लाइंस में भी यूज़ होता है। तो ये पूरी जो रिसर्च है हमने की है तो आपको बता पाए कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकती है। और अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, और भारतीय एयरटेल के पार्शियली पेड शेयर का प्रीमियम कम हो गया है, इसलिए भारतीय एयरटेल PP खरीदकर भारतीय एयरटेल की में ओनरशिप का ये काफ़ी अच्छा मौका बताया जा रहा है। अब इसकी गणित किस तरह की है, इसके क्या मायने हैं, एक पूरा कैलकुलेशन समझ लेते हैं और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित बताइए। अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल के जो नॉर्मल शेयर्स है उसका और भारतीय एयरटेल पार्टली पेड शेयर्स का जो डिफरेंस है जो कि प्रीमियम होता है वो सिर्फ अभी 3 से 4 रुपए के आसपास चल रहा है। पहले ये जो प्रीमियम था वो करीब 20-25 रुपीस के आसपास चलता था। अब ये प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो भारतीय एयरटेल पार्टली पेड शेयर्स के रेट के साथ आप जो बैलेंस कॉल अमाउंट है जो कि 401 रुपये है उसको ऐड कर लीजिए और जो डिफरेंस अमाउंट होगा भारतीय एयरटेल के नॉर्मल शेयर्स के साथ वो है प्रीमियम अमाउंट। अब ये जो प्रीमियम अमाउंट है वो सिर्फ 3 से 4 रुपये के प्रीमियम पे चल रहा है, पहले ये एवरेज प्रीमियम 20 से 25 रुपए के आसपास होता था। अब ये प्रीमियम कम होने का मतलब ये होता है कि बैलेंस मनी जो है वो कंपनी जल्द ही कॉल कर लेगी, बट ऐसे लग नहीं रहा है क्योंकि भारतीय एयरटेल के अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे तो FY22 में उन्होंने करीब 33,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था, प्लस उनको गवर्नमेंट का भी कोई ड्यू ज़्यादा देने नहीं है और उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है वो भी सिर्फ 20,000 करोड़ का है पूरे साल के लिए। तो कैश पोजीशन भारतीय एयरटेल की अगर आप करंटली देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनको अर्जेंट नीड नहीं है कैश का और जो बैलेंस अमाउंट है कॉल करने का वो October 24 तक दो पार्ट में कॉल करेंगे, तो मोस्ट लाइकली वो ये जो कॉल है बैलेंस अमाउंट का 401 रुपये का वो जल्दी नहीं करने वाले हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर आज के टाइम पे जो 783 रुपीज़ का शेयर प्राइस मिल रहा है भारतीय एयरटेल का उसको ना खरीद के भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड खरीद सकते हैं और जो बैलेंस अमाउंट है वो किधर और डिप्लॉय कर सकते हैं। IIFL का भी मानना ऐसा ही है कि जो लो प्रीमियम्स अभी मिल रहे हैं उसके वजह से किसी भी इन्वेस्टर को भारतीय एयरटेल का पार्टली पेड शेयर्स खरीदने चाहिए और भारतीय एयरटेल के शेयर खरीदने नहीं चाहिए, और जो बैलेंस अमाउंट है उसको किधर और डिप्लॉय करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी सारी जानकारी देने के लिए।
एक और खबर का रुख करते हैं। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। ईटी नाउ स्वदेशी खबर पर मोहर लग चुकी है और करीब 19,500 करोड़ की स्कीम को यहां पर मंजूरी दी गई है। और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए। सोलर पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन के लिए लगभग 94,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे प्रतिवर्ष 65 गीगावाट सोलर पावर के लिए फुल्ली इंटीग्रेटेड पार्शियली इंटीग्रेटेड पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की क्षमता का सृजन किया जाएगा और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब्स मिल सकेंगी, जो कि एंसिलरी या बाकी एक्टिविटीज या पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होंगी। सो इस योजना से रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि उसको स्वदेश में ही बनाएंगे भी, जो हमारे सोलर पीवी मॉड्यूल्स है और सोलर प्लांट लगाकर ग्रीन और क्लीन एनर्जी का यहां पर काम भी होगा और इससे भारत आत्मनिर्भर भी होगा। बिल्कुल, तो ये थे अनुराग ठाकुर इस स्कीम को लेकर जानकारी देते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।